गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पार्ट 14 के उपासना के साधन इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, मंदिर की देखभाल कौन करता है? तो पुजारी मंदिर की देखभाल करता है, इसका आंसर है। सेकंड का है, मुसलमान दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है, मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तीसरा है अपना, सिख कहाँ उपासना करते हैं? तो इसका उत्तर है, सिख गुरुद्वारे में उपासना करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस दिन सभी ईसाई गिरजाघर जाते हैं? तो इसका आंसर है, रविवार को सभी ईसाई गिरजाघर जाते हैं। और पांचवा है, सच्ची उपासना क्या है? तो इसका आंसर है, सच्ची उपासना क्या है? इसका आंसर है, सभी प्राणियों को प्रेम करना ईश्वर की सच्ची उपासना है। अब हम करेंगे खै, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आएगा, मंदिर में एक पुजारी होता है, कौन होता है? पुजारी। सेकंड है, मुसलमान अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, किससे करते हैं? अल्लाह से। तीसरा है, गुरुद्वारे में कोई मूर्ति नहीं होती। फोर्थ है, ईसाई पवित्र बाइबिल के सामने सिर झुकाते हैं। फाइव है, जैन मंदिर में भगवान महावीर की मूर्ति होती है। अब आप नेक्स्ट पे आते हैं, हम गैर सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, ये क्या है? सत्य है। हिंदू का पवित्र ग्रंथ गीता है, ये क्या है? सत्य। थर्ड है, सिख गुरुद्वारे में प्रार्थना करता है, सत्य। ईसाई का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, असत्य। जैन धर्म के लोग भगवान महावीर की उपासना करते हैं, ये क्या है? सत्य। अब अपना गए है, मिलान कीजिए। मैं आपको फोटो सेंड कर रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा।